गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर चैप्टर 3 एंटाइटल्ड रीटा एंड अनिल। रीटा इज़ अ गर्ल एंड अनिल इज़ रीटाज ब्रदर। सो बेसिकली दे बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर एंड दिस इज़ योर चैप्टर 3 फॉर क्लास फर्स्ट इन इंग्लिश कर्नेवाल बुक। रीटा एक लड़की है, इसका भाई है अनिल। रीटा और अनिल दोनों भाई बहन हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस जो चैप्टर में रीटा और अनिल के बारे में ही बताया गया है कि ये दोनों एक्चुअल में हैं क्या एज अ ह्यूमन बीइंग और इनका रिलेशनशिप कैसा है ब्रदर और सिस्टर के रूप में। फर्स्ट रीड दिस लाइन। हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल। फ्रॉम स्कूल यानी स्कूल से रिटर्न यानी वापस आते हुए, घर आते हुए। हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम, तुम अपना समय कैसे बिताते हो। स्कूल से आने के बाद आप क्या एक्टिविटीज़ करते हैं वो आपको इसमें बताना है। जैसे अगर आप स्कूल से आके अगर आप लंच करते हैं या स्नैक्स खाते हैं या आप रेस्ट करते हैं और प्ले गेम्स या इंडोर या आउटडोर गेम्स खेलते हैं आप, या फिर आप टीवी देखते हैं या अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, वो यहाँ आपको मेंशन करनी है। सो नाउ लेट्स रीड दिस पैराग्राफ जो अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लुक एट हियर। रीटा हैज़ अ स्मॉल ब्रदर। स्मॉल SMALL, स्मॉल मीन्स छोटा। ब्रदर BROTHER, ब्रदर मीन्स होता है भाई। ये कह रहा है रीटा हैज़ अ स्मॉल ब्रदर, रीटा का भाई छोटा है। रीटा का जो भाई है वो छोटा है, यानी रीटा से तो छोटा है और रीटा उससे बड़ी है। हिज नेम इज़ अनिल। HIS हिज मीन्स उसका, NAME नेम मीन्स नाम। हिज नेम इज़ अनिल, उसका नाम क्या है, अनिल है। रीटा का जो स्मॉल ब्रदर है, यंगर ब्रदर है, उसका नाम अनिल है, ये आप प्लीज़ याद कर लीजिए। ही इज़ 3 years old, वो 3 साल का है। THREE, 3 मीन्स 3 years old, वो 3 साल का है। रीटा का भाई अनिल है, जिसकी एज क्या है, वो 3 साल का है। ही इज़ मच स्मॉलर देन रीटा। ही इज़ मच स्मॉलर, वो बहुत छोटा है। यहाँ अभी हमने स्मॉल का मीनिंग पढ़ा था, ये स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा और ये स्मॉलर यानी बहुत छोटा, उससे भी छोटा। स्मॉलर देन रीटा, वो रीटा से बहुत छोटा है। When Rita goes home after school, WHEN when मतलब जब, Rita goes home, जब Rita घर जाती है after school, स्कूल के बाद घर जाती है, she likes to play with Anil, तो उसे अनिल के साथ खेलना या गेम खेलना पसंद है। PLAY play means खेलना, LIKES likes means पसंद, उसे गेम्स खेलना पसंद है अनिल के साथ। सो ये जो पैराग्राफ था उसे मैं आपको समरी में अगर बताऊं तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि रीटा नाम की एक लड़की है जिसका भाई है, जिसका नाम है अनिल, दोनों भाई बहन हैं और रीटा से अनिल बहुत छोटा है। अनिल की एज है 3 साल की और रीटा उससे बड़ी है। जब रीटा घर आती है स्कूल जाने के बाद तो वो उसके साथ, अपने भाई के साथ खेलना पसंद करती है, ये इस पैराग्राफ में बताया गया है। अब आ जाइए इस नीचे वाली लाइन में। अनिल लाइक्स टू प्ले विथ रीटाज स्कूल थिंग्स। स्कूल थिंग्स मतलब स्कूल की चीज़ें। THINGS थिंग्स मीन्स होता है चीज़ें। अनिल लाइक्स टू प्ले, अनिल को खेलना पसंद है किसके साथ, रीटा की स्कूल की चीज़ों के साथ, जैसे कि उसकी बुक्स, पेंसिल या रबड़, इरेजर या शार्पनर, ये सब चीज़ें उसके जो भी कंपास में उसमें होती है उसके साथ उसे खेलना पसंद है। किसे, अनिल को। रीटा गेट्स वेरी एंग्री, ये देख के रीटा बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है। VERY वेरी मीन्स बहुत ज़्यादा, ANGRY एंग्री मीन्स गुस्सा। रीटा बहुत गुस्सा हो जाती है, क्यों हो जाती है, बिकॉज अनिल रीटा की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करता है क्योंकि उसे खेलना पसंद है। शी शाउट्स एट अनिल, वो अनिल पे चिल्लाती है। शाउट मीन्स चिल्लाना, SHOUTS शाउट्स मीन्स चिल्लाना।
जितने भी वर्ड्स डिफ़िकल्ट जो आ रहे हैं उनके मीनिंग मैं आपको अभी बता दूंगी ताकि आपको रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो। तो ये कह रही है कि जब भी अनिल उसकी चीज़ों से छेड़छाड़ करता है या उसकी स्कूल की चीज़ों को छेड़ता है तो रीटा गुस्सा हो जाती है एंड शी शाउट्स एट अनिल, और वो अनिल पर चिल्लाती है गुस्से में। अनिल जस्ट स्माइल्स एट हर, तब अनिल क्या करता है, अनिल उसे देखकर स्माइल करता है यानी कि मुस्कुराता है। SMILES, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, और किसकी तरफ देख के, अपनी बहन रीटा की तरफ देख के वो स्माइल करता है। पेज नंबर 12 पर हमने ये इतना पैराग्राफ पढ़ा, अब आप आ जाइए पेज नंबर 13 पर, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। रीटा शाउट्स सम मोर, रीटा और भी ज़्यादा चिल्लाती है, मोर मीन्स और भी ज़्यादा, सम मोर मतलब जितना वो चिल्ला रही है उससे ज़्यादा वो शाउट करती है। देन अनिल स्टार्ट्स टू क्राई, तो जब रीटा उस पर ज़्यादा चिल्लाने लगती है तब अनिल स्टार्ट करता है रोना। CRY, क्राई मीन्स रोना या चिल्लाना। वो क्यों चिल्लाता है, बिकॉज उसकी बहन कंटिन्यूली उस पर चिल्ला रही है। ही इज़ स्टिल अ बेबी, वो अभी भी एक बच्चा है, स्टिल मीन्स बच्चा, सॉरी स्टिल मीन्स अभी भी, STILL, स्टिल मीन्स अभी भी। ही इज़ अ बेबी, वो एक चाइल्डिश नेचर का है, वो बच्चा ही है, वो इतना मैच्योर नहीं है कि उसे ये चीज़ें समझ में आए, इसलिए वो रो देता है। रीटा थिंक्स, ऐसा रीटा सोचती है, रीटा क्या सोचती है कि अनिल अभी भी बच्चा है। THINKS, थिंक्स मीन्स सोचना, रीटा अभी भी उसके बारे में ये सोच रही है, अपने भाई अनिल के बारे में ये सोच रही है कि अनिल इज़ स्टिल अ बेबी, अनिल अभी भी मैच्योर नहीं है, वो बड़ा नहीं हुआ है उसकी तरह, वो अभी भी बच्चा है। शी प्लेज़ विद अनिल, वो अनिल के साथ खेलती है, एंड मेक्स हिम लाफ अगैन, और वो उसको दोबारा से, अगैन मीन्स दोबारा, AGAIN, अगैन वो उसे हंसाती है, यानी कि जब वो उस पर लड़ाई करती है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब भी वो उस पर चिल्लाती है, उसकी हरकतें देख के उस पर चिल्लाती है, तो अनिल रोता है, और फिर रीटा सोचती है कि ये अभी भी एक बच्चा है, तो वो उसके साथ, उसे मनाने के लिए अनिल को फिर से उसके साथ खेलती है और उसे दोबारा हंसा देती है। लाफ मीन्स हंसाना। नाउ कम टू हेयर इन दिस पैराग्राफ, रीटाज ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर हैव कम फॉर अ विजिट। ये देखिए, रीटाज ग्रैंड मदर यानी रीटा की जो दादी है, GRANDY, ग्रैंड MOTHER, मदर, ग्रैंड मदर मीन्स दादी, एंड ग्रैंड फादर, GRANDY, ग्रैंड FATHER, फादर यानी कि दादाजी, रीटा के दादा और दादी उनके घर आते हैं, हैव कम फॉर अ विजिट मतलब उन्हें मिलने के लिए उनके पास आते हैं, ये है विजिट, VISIT, विजिट मीन्स घूमने आना या उधर मिलना। दे गो टू द पार्क विथ रीटा, और वो दोनों रीटा के साथ पार्क में जाते हैं। अनिल एंड देयर डॉग स्पॉट, वो अनिल और उनके डॉग का नाम हमने एक, अभी जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था कर्निवाल बुक में जो कि था चैप्टर नंबर 2, ये है चैप्टर नंबर 3, बट चैप्टर नंबर 2 में भी हमने इस डॉग को मेंशन किया था जिसका नाम था स्पॉट, SPOT, स्पॉट, ये उसका पैट नेम था। तो उसके जो दादा दादी हैं वो रीटा, अनिल और उनके डॉग जिसका नाम है स्पॉट, उन तीनों के साथ पार्क में घूमने जाते हैं, इंजॉय करने जाते हैं। एट नाइट, NIGHT, नाइट मीन्स रात को, रीटाज ग्रैंड मदर रीड्स अ स्टोरी टू हर, रीटा की दादी रीटा को एक स्टोरी पढ़ के यानी कि एक कहानी पढ़ के सुनाती है, STORY, स्टोरी मीन्स कहानी, रीटा की दादी जो है वो हर रात उसे एक स्टोरी पढ़ के सुनाती है। रीटा इज़ हैप्पी, HAPPY, हैप्पी मीन्स खुश, रीटा खुश है, शी स्माइल्स एंड गोज़ टू स्लीप, वो हंसती है, कौन हंसती है, रीटा हंसती है, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, रीटा स्माइल करती है, मुस्कुराती है, एंड गोज़ टू स्लीप, और मुस्कुरा के वो सोने चली जाती है। SLEEP, स्लीप मीन्स चले जाना, सोने के लिए चले जाना, सॉरी स्लीप मीन्स सोना और गोज़ मीन्स जाना, और वो मुस्कुरा के चली जाती है। सो दिस इज़ योर चैप्टर 3, जो मैं आपको एक बार इजीली समझा दूं कि रीटा और अनिल भाई बहन हैं, अनिल रीटा से छोटा है बहुत,
और वो 3 ईयर्स ओल्ड यानी कि 3 साल का है। और रीटा जब स्कूल से आती है घर तो वो उसके साथ खेलती है अपने भाई अनिल के साथ। अनिल उसकी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करता है, उसकी स्कूल की चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट है रीटा के लिए, बट वो उसके साथ खेलता है, उसे पसंद है खेलना। तो रीटा को गुस्सा आता है और वो उस पर शाउट करती है यानी कि चिल्लाती है। फिर भी अनिल उसको देख के स्माइल करता है और अनिल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमने इधर जाना कि रीटा उस पर और ज़्यादा चिल्लाती है जब वो देखती है कि मेरा भाई कहने पर भी चिल्ला रहा है, सॉरी हंस रहा है या स्माइल दे रहा है, तो वो उस पर और ज़्यादा चिल्लाती है। तो तब अनिल जो है वो क्राई करने लगता है यानी कि रोने लगता है। तब रीटा को लगता है कि ये अभी भी छोटा है, इसको समझ नहीं आएगा, तो वो उसको खुश करने के लिए उसे उसके साथ खेलती है और उसे वापस से हंसाती है। फिर रीटा के दादा दादी यानी कि ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर उनसे मिलने आते हैं। तो ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर रीटा, अनिल और उनके डॉग जिसका नाम है स्पॉट, उनके साथ वो जाते हैं पार्क में घूमने या एंजॉय करने के लिए। रात को रीटा की जो ग्रैंड मदर है वो उसे एक स्टोरी रीड करके यानी कि एक कहानी पढ़ के सुनाती है। रीटा ये सुन के बहुत खुश है और अपने दादा दादी के साथ भी मिल के भी खुश है। फिर रीटा स्माइल करती है दादी को देख के एंड देन गोज़ टू स्लीप और फिर वो सोने के लिए चली जाती है। सो दीज आर सम सेंटेंस एंड सम वर्ड्स जो मैंने आपको एक एक करके बताए और आपको पूरी स्टोरी समझाई। इधर आप देखेंगे न्यू वर्ड्स हैं जिसमें एक वर्ड आया है एंग्री, ANGRY, एंग्री, दैट मीन्स यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है शोइंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट, यानी कि जब अपसेट होते हैं या फिर हम थोड़े से अपसेट हैं यानी नाराज हैं या निराश हैं, तो उसको प्रकट करने का जो एक तरीका होता है वो होता है एंग्री यानी कि एरोगेंस, थोड़ा सा जब हमें गुस्सा आ जाता है उसे कहते हैं एंग्री होना। शाउट, SHOUT, शाउट मीन्स चिल्लाना, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रखा है टू से समथिंग वेरी लाउडली यानी कि कुछ ऐसा कहना जो कि बहुत ज़्यादा टोन में बहुत ज़्यादा लाउड हो, बहुत ज़्यादा तेज हो, उसे कहते हैं शाउट। विजिट, VISIT, विजिट, टू गो एंड स्पेंड टाइम इन प्लेस, इन अ प्लेस। विजिट मीन्स टू गो यानी कहीं जाना एंड स्पेंड टाइम इन अ प्लेस या किसी एक जगह पर ऐसे स्पेंड टाइम यानी रुकना, कहीं टाइम बिताना या वक्त बिताना। फॉर इंटरेस्ट और प्लेजर, अपने इंटरेस्ट के लिए या अपनी खुशी के लिए। नाउ वी विल डू सम न्यू वर्ड्स फॉर दिस चैप्टर। तो आप अपने नोटबुक प्लीज़ निकाल लीजिए और आपको ऐसा करना है कि नंबर 1 जो लाइन है उसमें आपको चैप्टर का नेम मेंशन करना है, उसके बाद में आपको पेज नंबर लिखना है और उसके बाद न्यू वर्ड्स आपको लेफ्ट साइड में लिख के फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने मैं करवा रही हूँ वो आपको एज इट इज़ लिखने हैं। लाइक मीन्स होता है पसंद। यहाँ ये जो डॉट लगेगा वो यहाँ साउंड आएगा न का, आहा नहीं। ये है एंग्री। यहाँ लगेगा एक डॉट,
एलिमेंट होता है किसका? नंबर फाइव इज शार्क, एस एच ओ यू टी। शार्क, शार्क मीन्स होता है चिल्लाना। स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना। यहाँ एक और आएगा वर्ड जो मैं इधर लिखती हूँ, नंबर सेवन स्प्लिट। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एस, प्ले यानी कि खेल। नाउ लुक एट द वर्ड नंबर वन स्मॉल, एस एम ए एल एल स्मॉल। इसमें हाफ आएगा, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, स्मॉल मीन्स छोटा। नंबर टू इज नेम, एन ए एम ई, नेम मीन्स नाम। नंबर थ्री इज लाइक, एल आई के ई, लाइक। लाइक मीन्स पसंद। व्हेन यू लाइक समथिंग, जब आप किसी चीज को पसंद करते हैं, कोई चीज आपको अच्छी लगती है, तो उसे कहते हैं लाइक करना। नंबर फोर इज एंग्री, ए एन जी आर वाई। एंग्री मीन्स होता है गुस्सा। जब आपको किसी चीज पे गुस्सा आए, when you're getting angry. Number five is shout, S-H-O-U-T. Shout means होता है चिल्लाना। When you're getting angry, तो आप क्या करते हैं? Shout करते हैं। You start to shout at something. Number six is smile, S-M-I-L-E. Smile means होता है मुस्कुराना। When you feel happy, तो आप क्या करते हैं? Smile करते हैं। Number seven, play, P-L-A-Y, play. Play means खेलना। So there are only seven new words जो आई हैव करवाई हैं। आई होप इतने आपको आज के लिए काफ़ी हैं। अगर आप इन्हें लर्न कर लेंगे तो आपको ये चैप्टर रीड करने में काफ़ी आसानी होगी। तो प्लीज़ आप इन्हें अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए अच्छे से। इसे आपको 1 to 7 एज इट इज़ लिखना है, जैसे मैंने लिखा है। केयरफुली इसे देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा समझ में। After this, now we will do an exercise on page number 14. यहाँ आपको दिखेगा question A, fill in the blanks with words from the box. आपको ये yellow color में box दिया गया है जिसमें कुछ words हैं। तो ये five words हैं जो इन blanks में आपको fill करने हैं। वही suitable words आप लिखेंगे जो sentence को देख के आपको लगे कि yes, ये यहाँ एप्रोप्रिएट हैं या फील करने लायक हैं। जैसे कि फर्स्ट है, अनिल इज डैश ईयर्स ओल्ड। तो अनिल कितने साल का बताया गया था वो आपको इसमें से सर्च करना है। ये सभी ब्लैंक्स बुक से रिलेटेड हैं जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा था। तो उसी में जो भी लाइंस आई हैं या जो भी उसमें बातें बताई गई हैं वही सेंटेंस यहाँ हैं, बट कुछ इसमें वर्ड्स मिसिंग हैं जो हमें फील करने हैं। जैसे कि अनिल इज डैश ईयर्स ओल्ड, अनिल हमें पता है कि कितने साल का था, ही इज़ 3 years old। तो आप प्लीज़ इसमें सर्च कीजिए इस येलो कलर के इस टेबल में
कि या इस बॉक्स में कि आपको थ्री कहाँ दिख रहा है. दिस इज़ शाउट SHOUTS शाउट्स. दिस इज़ थ्री THREE थ्री. सो वी फाइंड इट कि हमें ये मिल गया कि थ्री जो है ये यहाँ आएगा. अनिल इज़ थ्री ईयर्स ओल्ड. आगे जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये वर्ड हमें सेकेंड नंबर पे ही मिल गया है. तो अगर ये वर्ड हमें मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोबारा रिपीट नहीं होगा. जो बाकी के जो वर्ड्स हैं वो इसको छोड़ के बाकी के वर्ड्स पे अब हम फोकस करेंगे कि नंबर 2, 3, 4 and 5 में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे. तो उसके लिए आपको बोर्ड पे देखना होगा, वहीं मैं आपको समझाऊंगी. ये तो बोर्ड पे ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. नंबर 1 मैंने लिखा है अनिल इज डैश ईयर्स ओल्ड. मैंने आगे समझाया था इसमें आएगा 3. तो आप ये वर्ड भरेंगे इस बॉक्स में से देखें 3 THREE. अनिल इज 3 ईयर्स ओल्ड. अनिल 3 साल का है. तो आप क्या करेंगे अपने बुक में जो ब्लैंक आया है उसे आप फिल कर लीजिए. अब नंबर 2 करते हैं. हम नंबर 2 है आपका रीटा लाइक्स 2 डैश. यहां है एक ब्लैंक वेल अनिल then she returns from school. So this is your number 2 sentence, which is Rita likes to bash with Anil when she returns from school. जब वो स्कूल से वापस आती है तो रीटा को उसके साथ क्या करना पसंद है? With Anil, यहाँ आया है Anil. Anil के साथ क्या करना पसंद है? तो उसे खेलना पसंद था. तो आप इसमें play word ढूंढिए. ये है shout, ये हो चुका है. Sleeps, lunch है, grandfather और ये मिल गया हमें word play. तो आप यहाँ क्या करेंगे? Play. Rita likes to play. Rita को खेलना पसंद है. With Anil, Anil के साथ खेलना पसंद है. When she returns from home, जब वो स्कूल से घर वापस आती है तो रीटा को अनिल के साथ खेलना पसंद है. Now let's turn to number 3. Rita when she is angry with Anna. Number 3 है Rita dash when she is angry with Anna. जब वो अपने भाई Anna से गुस्सा हो जाती है, नाराज हो जाती है, तो Rita क्या हो जाती है, क्या करती है? Rita कुछ ऐसी एक्टिविटी करती है जो उसे नहीं करनी चाहिए जब वो एरोगेंस दिखाती है. तो Rita shout करती है. शाउट ये वर्ड और कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो हम यहाँ फील करें. जब वो अनिल पे गुस्सा होती है शी स्टार्टेड शाउटिंग एट अनिल. तो यहाँ आएगा वर्ड शाउट. शाउट्स ये है शाउट्स. रीटा शाउट्स व्हेन शी इज एंग्री विद अनिल. रीटा चिल्लाती है जब वह अनिल से गुस्सा होती है. नंबर 4 इज Rita's grandmother Rita's grandmother यानी कि Rita की दादी and यहां आएगा dad. Thank you.
have come home for now look at number 4. Rita's grandmother and Dash have come home for a visit. यानी कि कौन कौन थे जो रीटा के घर आए थे विजिट करने यानी कि घूमने के लिए. So we have only two words here. Sleeps बचा है और grandfather बचा है. ये दो words ऐसे हैं जो हमें grand feel कर रहे हैं. तो उसके हमें पता है कि grandmother के अलावा grandfather आए थे जो उनके घर पे विजिट करने आए थे. तो आप यहाँ लिखेंगे grandfather. ये जो वर्ड आया है grandfather, GRANDFATHER, grandfather. Rita's grandmother and grandfather have come home for a visit. Rita के दादा और दादी उससे मिलने के लिए आए थे. नंबर 5. Rita Dash after listening to her grandmother's. ये आपको नोटबुक में नहीं करना है, आपको आपकी बुक में भी ये नहीं करना है. फर्स्ट ऑफ सो हियर इज नंबर 5. रीटा डैश आफ्टर लिसनिंग टू हर ग्रैंडमदर स्टोरी. हमारे पास अब एक ही ऐसा वर्ड बचा है विच इज नंबर 3 स्लीप्स जो हम यहाँ फील कर रहे हैं बिकॉज ये सभी यूज हो चुके हैं. ये सभी जो वर्ड्स आए हैं जो कि बॉक्स में दिए गए हैं वो यूज हो चुके हैं. तो हम यहाँ ये वर्ड लिख देंगे या फील कर देंगे. स्लीप्स रीटा स्लीप्स आफ्टर लिसनिंग टू हर ग्रैंडमदर स्टोरी. रीटा सो जाती है जब वो अपनी दादी की ग्रैंडमदर की यानी दादी की स्टोरी सुन लेती है. हमने जाना था कि रीटा की दादी ने रात को उसे स्टोरी सुनाई थी और उसके बाद वो सो गई थी. उसने पहले स्माइल किया अपनी दादी को देख के, देन वो शी गोज टू स्लीप, तो वो सोने चली गई थी. तो ये है नंबर 1 में आपने 3 भरा है, नंबर 2 में प्ले आएगा, नंबर 3 में शाउट्स भरना है आपको, नंबर 4 में ग्रैंडफादर फील करना है, एंड नंबर 5 में लास्ट वर्ड जो है वो है स्लीप्स आपको फील करना है. These are your words and this is your question A on page number 40. ये देखिए आपको इस तरीके से ये फील करना था. अनिल इज 3 ईयर्स ओल्ड, तो आपको यहाँ 3 लिखना था. रीटा लाइक्स टू प्ले विथ अनिल, तो आपको ये प्ले जो वर्ड आया है हेयर ये आपको यहाँ फील करना था. रीटा लाइक्स टू प्ले विथ अनिल, अनिल के साथ उसे खेलना पसंद है. वैन शी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से घर लौट आती है. नंबर 3 इज़ रीटा डैश वैन शी इज़ एंग्री विथ अनिल. रीटा शाउट्स, वो चिल्लाती है जब वो अनिल पर गुस्सा होती है. शाउट्स मीन चिल्लाना. रीटाज ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर आएगा यहाँ. हैव कम होम फॉर अ विजिट, यहाँ आप फील कर दीजिए ग्रैंड फादर, जस्ट लाइक दैट. रीटा की ग्रैंड मदर यानी दादी और दादा उसे घर मिलने के लिए उसके घर पे आए थे. नंबर 5 इज़ रीटा डैश आफ्टर लिसनिंग टू हर ग्रैंड मदर्स स्टोरी. लास्ट वर्ड बचा था ये स्लीप्स, तो आप यहाँ स्लीप फील करेंगे लाइक दैट. रीटा सो गई
आफ्टर लिसनिंग टू हर ग्रैंड मदर्स स्टोरी, रीटा अपनी दादी की स्टोरी को सुन के रात को सो गई। अब आपका आज का होमवर्क जान लीजिए, क्वेश्चन बी है, आपको पेज नंबर 14 पर करना है, चूज़ द राइट आंसर, बुक में ही करना है। आपको हर एक क्वेश्चन के तीन ऐसे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो वो आपको एक सेलेक्ट करना है। जैसे नंबर वन अनिल है, ऑप्शन ए रीटाज यंगर ब्रदर, रीटा का छोटा भाई, यंगर मीन्स छोटा। बी इज़ रीटाज अल्डर ब्रदर यानी रीटा का बड़ा भाई, या रीटाज अंकल, ऑप्शन सी इज़ रीटाज अंकल या रीटा के अंकल या चाचा। तो आपको जो भी इसमें सही लगे उस पर आपको राइट टिक करना है। नंबर टू है रीटा गेट्स एंग्री वैन, रीटा गुस्सा करने लग जाती है जब, ऑप्शन ए है अनिल प्लेज विथ फुटबॉल, जब अनिल फुटबॉल के साथ खेलता है। ऑप्शन बी इज़ अनिल प्लेज विथ रीटा स्कूल थिंग्स, जब अनिल रीटा की स्कूल की चीज़ों के साथ खेलता है। या ऑप्शन सी ईट्स अ लॉट ऑफ आइसक्रीम, जब अनिल बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाता है। तो रीटा कब एंग्री होती है, कब गुस्सा होती है, वो आपको इसमें से तीनों में से सेलेक्ट करना है। अब आ जाइए पेज नंबर 15 पर। नंबर थ्री इज़ व्हेन रीटा शाउट्स सम मोर, जब रीटा ज़्यादा चिल्लाती है अनिल लाफ्स। ऑप्शन ए इज़ अनिल हंसता है, ऑप्शन बी इज़ अनिल क्राइज, अनिल चिल्लाता है या रोता है। ऑप्शन सी इज़ अनिल शाउट्स, और अनिल भी रीटा के जैसे चिल्लाता है। तो कौन सा सही है वो आपको राइट टिक करना है। नंबर फोर इज़ रीटा प्लेज विथ अनिल टू, रीटा अनिल के साथ खेलती है क्योंकि ऑप्शन ए मेक हिम लाफ अगेन, ताकि वो उसे वापस से हंसा सके, लाफ मीन्स हंसाना। ऑप्शन बी इज़ मेक हिम क्राई, ताकि वो दोबारा रो जाए। ऑप्शन सी इज़ मेक हिम सैड, ताकि वो और ज़्यादा निराश हो जाए या दुखी हो जाए। तो रीटा कब उसके साथ खेलती है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। नंबर फाइव इज़ एट नाइट, रात को रीटाज ग्रैंड मदर, रीटा की दादी क्या करती है। ऑप्शन ए इज़ रीड्स अ स्टोरी टू हर, उसे स्टोरी पढ़ के सुनाती है। ऑप्शन बी इज़ टेक्स हर फॉर अ वॉक, या उसे वॉक के लिए घुमाने के लिए ले जाती है रीटा को। ऑप्शन सी इज़ वॉचेस टेलीविजन विद हर, या वो उसके साथ टीवी यानी टेलीविजन देखती है। तो वो उसके साथ रात को क्या करती है वो आपको इसमें एक ऑप्शन है जो करेक्ट है वो आपको राइट टिक करना है। दिस इज़ योर होमवर्क, तो ये आपको कंप्लीट करना है। न्यू वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं जो आपको नोट कर लेने हैं वीडियोज़ में से देख के। बेस्ट ऑफ लक।